हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल टूल्स चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम टॉर्क रेंच रिपेयर करके दिखाएंगे, बताएंगे कैसे रिपेयर होता है। ये रेचिट टॉर्क रेंच है, आप देख सकते हो। ये न्यूटन मीटर में है और ये फीट में है। तो इसका खराब हो गया, हम टॉर्क रेंच रिपेयर करके दिखाएंगे। और एक ये है, ये टॉर्क रेंच रेचिट में नहीं है, वन साइडेड है। इसमें चार प्रकार का है, लेबिन, न्यूटन मीटर, केजी। चलिए हम इसको रिपेयर करके दिखाते हैं आपको कैसे आपको रिपेयर करना है। देख सकते हैं इधर फिट है। देख सकते हैं एक डैमेज हो गया है। ये भी डैमेज है, तो हम इसके लिए नया लगाएंगे। स्प्रिंग है, तो हम सारे चीज न्यू लगाएंगे इसमें।
देख सकते हैं इस पर खूब में बैठ गया पूरा स्प्रिंग बॉल। अभी हम उधर से लॉक कर देंगे इसको। इसके बाद ये हमारा न्यू है, देख सकते हैं अभी हमने आपको टोर क्रंच आप स्पेयर मंगा के घर पे इसको चेंज कर सकते हैं, टोर क्रंच को ठीक हो सकता है। ये हमारा क्रैश हुआ वाला है, इसके लिए हमने कोई टूल्स यूज नहीं की, क्या ओनली सर्किट प्लायर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।